पृथ्वी के नीचे किया है, हमारी धरती किस पर टिकी है, अगर पृथ्वी के आर पार एक होल किया जाए तो नीचे क्या दिखाई देगा, यह सवाल सभी के मन में जरूर घूमता रहता है। इसी सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का लाइक जरूर कर ले और वीडियो का फुल वॉच जरूर करना। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले हमें पृथ्वी को संरचना को समझना होगा। जैसे कि देखने पर हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी समांतर चपटी है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर गोल दिखाई देती है और है भी, लेकिन पूर्णतः गोल भी नहीं है। यह अपने ध्रुव पर थोड़ा चपटी है। पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी किस पर टिकी है, इसके बारे में किंवदंतियां प्रचलित है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वह यह है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी विशाल समुद्र में तैर रही है, लेकिन यह सब कुछ भ्रामक बातें हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम अंधकार से निकलकर ज्ञान की ओर आते हैं, तो पता चलता है कि पृथ्वी किसी शेषनाग के ऊपर नहीं बल्कि हवा में तैर रही है। परंतु यह कहना भी गलत होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा भी मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में घूम रही है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है। आप इसका प्रत्यक्ष परिमाण चंद्रमा को देखकर लगा सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई देता है, सेम उसी प्रकार पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है। अंतरिक्ष से देखने पर यह साफ दिखाई देता है, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और सूर्य की अनंत परिक्रमा कर रहे हैं। अगर पृथ्वी की आर पार होल किया जाए तो क्या होगा, अब इसे समझते हैं। ऐसा करना तो वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि अब तक पृथ्वी पर सबसे लंबा गड्ढा 12,262 किलोमीटर ही खोदा जा सका है। इसके बाद तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने लगा और खुदाई के उपकरण पिघलने लगे। लेकिन चलिए कल्पना करें पृथ्वी की आर पार गड्ढा खोदने की। ऐसा करने के लिए हमें पृथ्वी के निम्न भाग में गुजरना होगा। सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर परत भूपर्ती को खोदना होगा, जिसकी औसत लंबाई 24 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी लंबाई 5 से 70 किलोमीटर तक बढ़ती रहती है। पृथ्वी का यह भाग ठोस रूप में है। इसके बाद पृथ्वी के दूसरी परत, जिसे मध्यवर्ती या मेंटल कहा जाता है, पर पहुंच जाएंगे, जिसकी लंबाई 2,890 किलो नीचे गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेंटल भाग बेहद गहरा गर्म लावा है। यहाँ सोमवनीय धाराएं चलती है। इसे पार करने के बाद हम क्रोड पर पहुंच जाएंगे। अब हम पृथ्वी के तीसरी परत में जाएंगे, जिसको क्रोड कहते हैं। क्रोड की गहराई 2,900 से 6,370 किलोमीटर तक है। यह भाग ठोस है, क्योंकि यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि लोहों को पिघलने नहीं देती। क्रोड मुख्यतः लोहे और निकिल का बना हुआ है। और जब यहाँ तक पहुँचे गए है, तो हम अब उस पार जाने के लिए फिर से क्रमश वही सभी परतों का पार करना होगा। इसके बाद हम किसी समुद्र या जमीन किसी भी जगह निकल सकते हैं और इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि जो हमारी ऊपर दिखाई देता है, यानी कि आसमान अंतरिक्ष, वही नीचे भी दिखाई देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।